कैडमियम सॉल्यूशन, और आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो जी क्लैंप के अंदर एक क्लैंप जो है इसकी मॉडलिंग करेंगे हम, बाद में इसको फिर हम असेंबल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे मॉडल में, और मॉडल में जाके हम लोग स्केच कमांड लेंगे, और यहाँ से जाइए स्केच, और कॉन्सेप्ट प्लेन भी बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये फ्रंट प्लेन लेके हम इसे ओके करते हैं। और यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू दे रखा है, ये टॉप दे रखा है और साइड दे रखा है, तो मैं इसको फ्रंट व्यू से स्टार्ट करूँगा। और इसका ओरिजिन हम लोग इस कॉर्नर पर रख लेते हैं, और यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं कुछ 25। फिर नीचे की तरफ जाइए, कुछ यहाँ पे करना है, फिर इस तरफ चलेंगे, और फिर इसके सीध तक ले लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे इधर, और थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, और ऊपर तक इसे मिला लेते हैं। तो ये हमारा स्केच एक बन गया है। और यहाँ पे आके रैपिड में जाके मैं इसकी डायमेंशन करता हूँ, और यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन है ये टॉप से इसकी पिछले कैप जो है ये है हमारा 100, इसे 100 ले लेते हैं। 100 के बाद फिर हमारे पास है ये वाली जो लाइन है, थोड़ा जूम करिए, ये जो लाइन है ये है 20, और 20 के बाद इसे क्लिक करके ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ये भी 20, और ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये है 5, और इस तरफ आते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास 98, एंटर 98 हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है गैप, अभी मुझे पता नहीं है, ये वाला गैप मुझे पता है, इसे क्लिक किया, और ये ऊपर होना चाहिए 25, और छोटा करिए, ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच का ये है 75। तो ये ऑलमोस्ट डैमेजिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे कुछ फिलिट आता है, तो हम यहाँ से फिलिट लेते हैं, और फिलिट में 30 का रेडियस है आउटर वाला, ये जो है 30 का है, तो हम इसे लेते हैं 30, ये भी हमारा 30 हो गया। और इधर से जाएंगे तो यहाँ पे है 5 का रेडियस अंदर का, और बाहर का है 10 का, तो यहाँ से मैं लेता हूँ 5 का, क्योंकि अंदर की साइड का है 5, और ये भी 5। इसके बाद हमें करना है इसे ऑफसेट, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, पहले ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक डायमेंशन ये वाली कुछ बच रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ से रैपिड लेता हूँ, और जो इसका सेंटर है और ये लाइन है इसके बीच का गैप, ये आना चाहिए 30। यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 ये सेंटर से यहाँ तक का गैप 30 आना चाहिए, ये मैंने 30 से कर दिया है, और ओके करते हैं, और स्केच हमारा फुली कंस्ट्रक्ट हो गया, इसे फिनिश करिए, और एक्सट्रूड लेंगे, सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन में ये है हमारा 20 और 66, बीच का गैप बचेगा हमारा 8, 6 और 6 12, और 8 बीच में हो जाएगा तो 20 बैठ जाएगा, तो 8 लेना है, और 8 को भी हम सिमेट्रिक वैल्यू लेके 4 लेते हैं, और कर दीजिए ओके। स्केच को मैंने हाइड कर दिया, थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं, और ये बीच का पोर्शन हमारा बन गया है। अब स्केच लेंगे,
और वही सेम रिपीट सेम उसी प्लेन पे ही जाना है। और यहाँ से जाके हम लेंगे, यहाँ से हमारे पास एक प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर में ये कर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉरी मेरे को प्रोजेक्ट कराने की भी, चलिए ओके कर देते हैं इसे ओके। अब फिर इसे करेंगे हम ऑफसेट, ऑफसेट और रिवर्स और पाइप का ऑफसेट 10 करेंगे तो कहाँ पर जा गया, और ओके कर दीजिए। इसको मैच कर देते हैं सिंपल लाइन से, इधर से लिया ये हमारा मैच हो गया है। और इधर के लिए मेरे को लेना पड़ेगा, ऐसे जाएंगे यहाँ तक मैच होगा, फिर यहाँ से कुछ लाइन लेनी है अपने लिए यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से अब लेते हैं ट्रेन, ये हमें नहीं चाहिए। अब रैपिड में जाएंगे, इसकी डायमेंशन क्लिक 23 और फिनिश। स्केच हमारा कंप्लीट हो गया है और फुल्ली कंस्ट्रक्टर फिनिश करिए, और इसको हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा 20 विथ मिरर एक्सटेंट। तो स्केच है हमारा ये, और ये आना है 10 और 75 में, और इसको हम करेंगे नाइट और ओके। तो ये हमारा पूरा बन गया है, स्केच को बदली हाइट हट जाएगा। फिर यहाँ से एज ब्लेंड लेके इसे राउंड करेंगे, और ये राउंड है आउटर का 10 का रेडियस, तो क्लिक करिए ये 10 का रेडियस, और यहाँ पे भी 10 का रेडियस और ओके। तो मेरा राउंड हो गया है, और एक होल मेरे को बीच में चाहिए यहाँ पे, और होल का साइज़ है 1.M12 करके, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं होल, और इसके सेंटर पे लेना है यहाँ पे क्लिक, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से लिया ये जो पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट ले लेते हैं ये पॉइंट, और जो ऑरिजिन है कॉन्सेंट हो जाए फिनिश। और यहाँ से थ्रेड एंड बॉल लिया हमने एम ट्वेल्व का होल लिया, और डेप्थ इसकी होनी चाहिए पूरी 25 की, और डेप्थ भी है 25 और ओके। अभी ये बन गया है, अगर बिल्कुल डिटेल में देना चाहते हैं तो डिटेल के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा और थ्रेड यूज़ करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप इसको कंपोनेंट को ईजिली यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इसका आप कलर करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए, और व्यू में जाके यहाँ से हम लेंगे एड ऑब्जेक्ट कलर, और कोई यहाँ से हम एक कलर लेके क्या करते हैं और ओके करते हैं। इस टाइप से हमारा आ जाएगा टू शेडिंग में देखें तो ये हमारा बहुत ही ईजिली बन जाएगा। और अभी आगे जाके हम इसको असेंबल करेंगे अपने पार्ट्स के साथ।